गदर टू की भारी सफलता के बाद अब बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों के सीक्वल निकालने पर ज्यादा जोर चल रहा है। गदर टू मूवी 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 500 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है। गदर टू की सफलता देखकर मेकर्स को लग रहा है कि पुरानी फिल्मों के सीक्वल निकालकर वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ सालों में आपको पुरानी ये टॉप 5 फिल्मों के सीक्वल देखने को मिल सकते हैं। इनमें से नंबर 1 है खलनायक। अभी अभी खलनायक मूवी को 30 साल पूरे हुए तो इस साल पूरे होने की खुशी में फिल्म निर्माता सुभाष देव ने मुंबई में प्रीमियर पार्टी रखी थी। तभी उस पार्टी से खबर लेकर हुई कि आने वाले कुछ समय में खलनायक 2 मूवी दर्शक को देखने को मिल सकती है। और इस फिल्म में पुरानी स्टार कास्ट होगी कि नहीं इसका फिलहाल कोई भी पता नहीं लगा, लेकिन जल्द ही खलनायक 2 मूवी दर्शकों को देखने को मिल सकती है। नंबर 2 धड़कन। अभी अभी सूत्रों से मिले खबर के अनुसार धड़कन 2 मूवी की घोषणा हो गई है। साल 2000 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की तिगड़ी ने धमाल मचा था। लोगों के दिलों पर राज किया था इस फिल्म ने। फिल्म ने अपने जमाने में खूब सारे पैसे कमाए थे, इसीलिए से जल्दी दर्शकों को धड़कन 2 देखने को मिल सकती है और इसकी ऑफिशियल घोषणा भी हो गई है। नंबर 3 बॉर्डर। 1997 को रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर फिर से एक बार चर्चा में। गदर 2 के सफलता के बाद फिर एक बार सनी देओल बॉर्डर 2 लेके आ रहे हैं। गदर 2 के सफलता के बाद से ही ये खबर वायरल हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि बॉर्डर 2 लगेगी, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बॉर्डर 2 की स्टोरी पर काम चल रहा है। स्टोरी पूरी होते ही 1-2 साल के अंदर दर्शकों को बॉर्डर 2 मूवी देखने को मिल सकती है। नंबर 4 करण अर्जुन। गदर 2 के सफलता के बाद से ही मेकर्स को पुरानी फिल्मों की याद आ रही है। इनमें से 90 के दशक की फिल्म करण अर्जुन को कैसे भूल सकते हैं। करण अर्जुन मूवी में पिता की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म की कहानी दर्शाती है। करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान की दोनों को खूब पसंद किया गया था। राकेश रोशन के निर्देशक में करण अर्जुन ने उस वक्त जबरदस्त कमाई की थी। सूत्रों के मिले खबर के अनुसार जल्द ही करण अर्जुन का सीक्वल देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टार कास्ट क्या होगी इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है और स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है। और नंबर 5 पे थी सिंघम। सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। रोहित ने पूजा अर्चना करते हुए सिंघम 3 की शूटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। सिंघम 12 साल पहले यानी 2011 को रिलीज हुई थी। इसके बाद पार्ट 2 आया, अब पार्ट 3 आने वाला है। इस फिल्म में अजय के साथ रणवीर सिंह भी दिखने वाले हैं। दोस्तों, इनमें से आप किस मूवी का इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीवुड और क्रिकेट के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।